तो ये सुनाई बहुत बड़ा कॉलेज है, तो ये बाकी सब जितने क्लासेस बैठे सब आई बार थोड़ा मैथ से बाहर निकले। सो बहुत शुक्रिया हूँ सारे सिटीजन का जिनकी तरफ कीमती समय निकालकर इनका सम्मान हमारी पहचान है। डीपीएस महाविद्यालय का सदा से पहचान रही है कि हम अपने अतिथियों का बेहद सम्मान करते हैं। कृपया पंडाल में बने रहें, कुछ ही देर में आपके चहेते गायक जोगिंदर सिंह मेहंदी जी दोबारा उपस्थित होंगे। डॉक्टर अनिता रावत जी को कुछ सुभाष मेहंदी सिंह भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा बहन आरती राजपूत से कि वे माननीय विधायक गणेश जोशी जी को स्मृति चिन्ह में पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा शासक उपाध्यक्ष अभिषेक उज्जैल जी से कि वे प्राचार्य जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। जिस तरीके से एक छात्र संघ इसमें सम्मेलन में शिरकत किया, खासकर आपने एक अपेक्षा करते हुए इस कॉलेज को जो निर्माण के लिए दिया है, आपने 5 लाख का योगदान दिया, फिर मंत्री जी उसको बढ़ाकर डबल कर दिया, उसको आज किस तरीके से उपयोग? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत काम करने की आवश्यकता है और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि डीपीएस विद्यालय यहाँ का एक आदर्श विद्यालय है। मेरा बड़ा लगाव यहाँ पर रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको अपनी विधानसभा से बदलने की घोषणा की है और आगे भी जो भी बदल होगी उस पर दी जाएगी। आज जो डीपीएस कॉलेज है देहरादून का बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से है। आज उनका 3 दिवसीय जो छात्र संघ के समारोह थे वो चल रहे थे, इसमें मुझे आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से मैंने यहाँ के छात्रों को बहुत बधाई शुभकामनाएं दी कि आपकी जिस प्रकार से विद्यालय के नाम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये यहाँ के छात्रों का भी गौरव है, विद्यालय का भी गौरव है, मतदान का भी गौरव है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा हिंदुस्तान जिस प्रकार एक यूथ विंग को लेकर पूरी दुनिया में दस्तक दे रहा है, उसमें यहाँ का भी योगदान है, ऐसी मैंने अपेक्षा की।